सिर्फ एक ट्रेन क्षतिग्रस्त हुई, एक ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ जो कि कोरोमंडल थी। उस ट्रेन किसी कारण, जिस भी कारण के वजह से, जिसको हमें पता चल गया अभी डिटेल में कि क्या कारण था, वो जो एक्सीडेंट ग्रस्त हुई। और अप लूप लाइन में जो आयरन ओर की ट्रेन खड़ी हुई थी, जो मैंने आपको बताई मालगाड़ी, उससे टकराई। उसके ऊपर उसका इंजन चला गया, उसके कुछ कोचेस चले गए, और ये इतना तेज इंपैक्ट था, वो बेसिकली इसलिए था क्योंकि ट्रेन अपनी फुल स्पीड पे थी, 128 kmph पे, मामूली चीज़ नहीं है। और दूसरी इशू ये था कि वो एक आयरन ओर की ट्रेन थी, जो कि बहुत ही भारी ट्रेन होती है, तो वो सारा इम्पैक्ट जो है, कोलिजन का इम्पैक्ट, अगर आप लोग किसी भी टेक्निकल कोलिजन एक्सपर्ट से भी पूछेंगे, कोलिजन का इम्पैक्ट उसने कम्प्लीटली रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि वह आयरन ओर भरी हुई ट्रेन थी। एंड दी एंटायर, पूरा का पूरा इम्पैक्ट जो है, वो सारा का सारा ट्रेन के ऊपर आ गया, कोचिंग ट्रेन थी ये। अब इस ट्रेन के बारे में भी मैं कुछ बताना चाहूँगी। ये ट्रेन है LHB ट्रेन, हमारी जो LHB कोचेस है उसकी ट्रेन है ये। LHB इज अ वेरी वेरी सेफ ट्रेन। अगर आप और एक्सीडेंट्स इस तरह की ट्रेन के देखेंगे, आपको मिलेगा कि इवन एट फुल स्पीड ये ट्रेन कैप्साइज नहीं होते, इसके कोचेस जो हैं वो दे डोंट टर्न टर्टल, और इसलिए उसमें जो लोग होते हैं वो उनको कोई ज़्यादा इंजरीज नहीं होती है। अनफॉर्चुनेटली इस केस में ये ऐसा हादसा हुआ कि इस स्पीड पे अगर पूरा का पूरा इम्पैक्ट ट्रेन के ऊपर आएगा, तो कोई भी, दुनिया में ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है कि वो इस तरह के जंबलिंग अप को प्रिवेंट कर सके। तो मालगाड़ी बिल्कुल नहीं डिरेल हुआ, क्योंकि आयरन ओर था वो, तो आयरन ओर इतना स्टेबल और उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी इतनी स्टेबल होती है कि वो नहीं हिली तक नहीं, उस थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ पर वो हिली नहीं, और पूरा इम्पैक्ट जो है वो इस ट्रेन के ऊपर आ गया जो कि पैसेंजर्स के साथ थी, और उसकी वजह से ये इंजरीज और अनफॉर्चुनेट डेथ्स बहुत हुई। तो ये है बैकग्राउंड इसका। इसके साथ चूंकि इसके डिब्बे बिखर गए इम्पैक्ट के वजह से, कोलिजन के वजह से सारा इधर उधर बिखरे, तो उसमें से कुछ डिब्बे जो हैं वो अगर आप देखेंगे तो ये जो डाउन लाइन मेन लाइन है इसकी तरफ आ गए, और ये डाउन मेन लाइन पे यशवंतपुर एक्सप्रेस निकल रही थी, वो भी 126 की स्पीड पे जा रही थी, वो करीब करीब क्रॉस कर गई थी। वो तो मिसफॉर्चून है कि एक लिटरली एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए उसके पीछे के दो डिब्बे थे जो कि इसके डिरेल डिब्बों के रास्ते में आ गए, और इन डिरेल डिब्बों के इम्पैक्ट से उसके आखिरी दो डिब्बे वो भी डिरेल होके, यशवंतपुर एक्सप्रेस के वो भी डिरेल होके दूसरी तरफ फेंक गए। तो ये सारा इतनी स्पीड में और इतने मोमेंटम में था कि उसकी वजह से वो दो डिब्बे भी क्षतिग्रस्त हुए, और उसमें भी कुछ लोगों को बहुत इंजरीज हुई, कुछ डेथ्स भी हुई। ये हुई यशवंतपुर एक्सप्रेस जो कि उसमें इन्वॉल्व हो गई। उसके अलावा जो एक और मालगाड़ी दूसरी तरफ जो खड़ी हुई थी, जो हम जिसको डाउन लूप में दिखा रहे हैं, ये आपको स्टेशनरी गुड्स ट्रेन, ये इस पे भी थोड़ा सा वो डिब्बों का इम्पैक्ट हुआ, पर कोई खास उसमें क्षति नहीं हुई। ये पूरे एक्सीडेंट का बैकग्राउंड है। इसके बाद जो सबसे पहला काम हुआ, जो रेलवे में एक बहुत लेट डाउन प्रोसीजर है इस तरह के डिजास्टर्स के लिए, कि वो स्टेशन मास्टर ने तुरंत कंट्रोल को मैसेज करी, और उसके बाद हमारी जो मेडिकल रिलीफ ट्रेन होती है वो दो जगह से तुरंत चल पड़ी। 20 मिनट के अंदर वो गाड़ियां चल पड़ी, एक आई खुर्दा की तरफ से, मतलब भुवनेश्वर की तरफ से, और एक आई खड़गपुर की तरफ से। भुवनेश्वर वाली पहले पहुंची और उसके जस्ट 10 मिनट बाद खड़गपुर वाली पहुंची। साथ में NDRF को इन्फॉर्म कर दिया गया। NDRF की एक टुकड़ी बालासोर में स्थित थी, क्योंकि वहाँ पे साइक्लोन और ये सब फ्लड्स वगैरह के लिए उनकी एक टुकड़ी वहाँ पर मौजूद रहती है। उस टुकड़ी को तुरंत इन्फॉर्म कर दिया गया। ये भी मैं बताना चाहूँगी कि हम लोगों की NDRF के साथ कंटिन्यूस इस तरह की घटनाओं से बचने के लिए एक्सरसाइज चलती रहती है, कोऑर्डिनेशन चलता रहता है, और हम लोग बहुत सारी मॉक ड्रिल्स करते हैं। उसका ये फ़ायदा हुआ कि NDRF की टीम जो बालासोर में मौजूद थी वो भी वहाँ से चल पड़ी तुरंत तैयार होके, और वो भी पहुँची। जो आर्मी की भी वहाँ पे एक टुकड़ी मौजूद थी,
वो भी मोबिलाइज हो गई, उसको इन्फॉर्मेशन पहुंच गई, वो भी आ गई. जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन था, जो स्टेट डिजास्टर रिलीफ थी, जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर डीएम एंड हिज टीम एंड द एसपी एंड द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, एवरीबडी रिस्पॉन्डेड. लोकल्स जो वहाँ पे थे, वो तो खैर दे आर द फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स, वो सारे लोकल्स आ गए. एंड इमीडिएटली जितने लोगों को वहाँ से निकाला जा सकता था, उनको वहाँ से नज़दीक के अस्पताल ले जाया जा सकता था, उसके लिए जो भी कार्रवाई करनी थी वो लोगों ने शुरू कर दी.